बुलबुल बन गई है भूत, डरा रही है दृष्टि को। लेकिन क्या बुलबुल और वीर अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे? वेल दोस्तों, कलर्स के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल मेरा बालम थानेदार का अपकमिंग ट्रैक ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि वीर को अब वर्दी वापस मिलने वाली है, जिसकी अनाउंसमेंट तभी हो जाती है जब वीर बुलबुल कार में बैठकर वापस अपनी फैमिली के साथ आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अब बुलबुल जो है वो दृष्टि को डराने के लिए, दृष्टि को घर से बाहर निकालने के लिए, दृष्टि से अपने सारे हक वापस लेने के लिए, अपने परिवार की खुशियां वापस दिलाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है बुलबुल। और बुलबुल जो है तरह तरह के प्लान बना रहे हैं। इन सब में उसका साथ उसके थानेदार सा यानी कि वीर भी दे रहे हैं। अब रात का टाइम है जहां बुलबुल कहती है, अब उस दृष्टि को मैं छोड़ूंगी नहीं, अब मैं उसे बताऊंगी कि अजमेर की बुलबुल वीर प्रताप सिंह से जो पंगा लिया है उसने, उसका नतीजा क्या होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बुलबुल जो है वो भूत बनने वाली है। दरअसल होगा ये, दृष्टि रात में अकेले घर में घूमती नजर आई है। दृष्टि को इस तरह से देखकर यहाँ बुलबुल पूरा फायदा उठाती नजर आएगी। वीर भी इन सब पूरे प्लान में शामिल है। वहीं पर आप देख सकते हैं दृष्टि जो है घर में चल रही है, जहां पर उसकी मोमबत्ती जो है बुझ जाती है। पहले बुलबुल वगैरह जो है लाइट ऑफ करते हैं। जब दृष्टि मोमबत्ती लेती है तो पीछे से वायु जो है उस मोमबत्ती को बुझा देता है। और फिर यहाँ दृष्टि को लगता है कि हवा भी नहीं चल रही, ये मोमबत्ती जो है वो कैसे बुझ गई। तो वहीं पर उसको बहुत डर लगने लगता है कि तभी जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे लंबे लंबे बालों में चुड़ैल नजर आती है, भूत नजर आता है, जिसके बाद वो डर जाती है और डरते हुए तुरंत नीचे गिर जाती है। और उसके चेहरे पर डर जो है वो साफ नजर आ रहा है। और वहीं बुलबुल और उसका नंदोई जो है पीछे से खड़े होकर सारा ड्रामा देख रहे हैं। वहीं पर जो वीर है वो भी सारी चीजों में शामिल है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बुलबुल और क्या क्या करती है, क्योंकि बुलबुल जो है वो भाई किसी भी हालत में दृष्टि को एक्सपोज करके उससे सारा अपना हक वापस लेके अपने परिवार की खुशियां वापस जरूर दिलाएगी, क्योंकि उसने इस बात का फैसला ले लिया है। तो आपका क्या कहना है, क्योंकि जिस तरह बुलबुल ने पहले सोचा था कि वो अपने थानेदार साहब की वर्दी वापस दिलाएगी, तो ऐसा ही हुआ। जो वीर के सीनियर ऑफिसर है उन्होंने फोन किया और कहा कि बेटा कांग्रेचुलेशंस, तुमने ये केस इतने अच्छे से सॉल्व किया कि तुम्हें तुम्हारी वर्दी, तुम्हारा सम्मान सब कुछ वापस दिया जाएगा। क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट करके बताइए अपनी राय। इसी तरह अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक के पेज को फॉलो करें।